जीवन में अगर आपको भी ख्याति प्रसिद्धि और सम्मान पाना है तो एक तोते के बताए हुए यह 8 गुण जान लीजिए। दोस्तों, जानिए कौन से हैं वह 8 गुण जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। मित्रों, कहा भी जाता है कि जिन व्यक्तियों में यह 8 गुण होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को पूछा जाता है, अर्थात उन्हीं का सम्मान होता है, और जो गुणहीन हैं उनको कोई भी नहीं पूछता। तो दोस्तों, ऐसे कौन से वह 8 गुण हैं जिसके होने से आपको प्रसिद्धि एवं सम्मान प्राप्त होता है? तो चलिए, आपको आज मैं 2 तोते की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति ने राजा को 2 तोतों को दिया, जिनमें एक का नाम रुरु था और दूसरे का नाम शंखा था। जो है दूसरा तोता था उसमें अद्भुत विशेषताएं थीं। उन दोनों तोतों का बड़ा सम्मान हुआ। राजा ने उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा। उन दोनों तोते की विशेषताओं के कारण राज्य के लोग उन्हें देखने के लिए आते, उनकी खूब आवभगत होती। कुछ दिनों बाद ही एक व्यक्ति ने राजा को एक विचित्र प्रकार का लंगूर उपहार में दिया। उस लंगूर के आते ही रुरु और शंखा नाम के दोनों तोतों का सम्मान कम हो गया। उनके खान पान पर भी ध्यान नहीं दिया जाने लगा। उस विचित्र प्रकार के लंगूर के प्रति सभी को आकर्षण होने लगा। दूर दूर से उस लंगूर को देखने के लिए राजा के यहाँ लोग आते। तब एक दिन पहले तोते रुरु ने दूसरे तोते शंखा से कहा, भाई, इस लंगूर के आते ही हम दोनों का तो कोई सम्मान ही नहीं रहा। राजा भी अब हम लोगों पर ध्यान नहीं देता। तब शंखा ने कहा, भाई, चिंता मत करो, जो गुणहीन है उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। रुरु ने कहा, हे भाई, गुण क्या है एवं गुणों से क्या लाभ है? शंखा तोते ने कहा, हे भाई रुरु, निजी विशेषता एवं निपुणता को ही गुण कहा जाता है। मैं तुम्हें ऐसे 8 गुणों के बारे में बताता हूँ जिसको धारण कर लेने से मनुष्य की प्रसिद्धि एवं सम्मान बढ़ता है एवं व्यक्ति की प्रशंसाएँ होती हैं। पहला है बुद्धि। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को उचित तरीके से उपयोग करना जानते हैं वह अपने जीवन में बहुत ही सफल होते हैं। दूसरा है, जो लोग कुलीन एवं अच्छा व्यवहार करते हैं, जिनका व्यवहार सरल एवं सहज होता है, वह अपने इन गुणों से शोभित व्यवहार के कारण प्रसिद्धि पाते हैं। तीसरा है, जो अपने मन पर संयम रखते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं वह साधु के समान होते हैं। ऐसे लोग भटके हुए लोगों को महान गुरु बनकर रास्ता दिखाते हैं और यही कार्य करते हुए वह प्रशंसा एवं प्रसिद्धि पाते हैं। चौथा है ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, विद्वता है, ऐसे लोग हर समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त होते हैं। पांचवा है, जो व्यक्ति पराक्रमी यानी कि बहादुर होते हैं, वह विषम परिस्थितियों में भी नहीं घबराते एवं वह दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। इन्हीं कारणों से उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। छठवां है, कम बोलने का गुण। जो व्यक्ति कम बोलते हैं एवं सोच समझ कर बोलते हैं वह भी प्रशंसा एवं प्रसिद्धि के पात्र बनते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं एवं कब क्या बोलना है जो यह नहीं जानते उनका कोई भी सम्मान नहीं करता। सातवां है, जो अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। हे भाई, दान देना अच्छी बात है, परंतु अपनी क्षमता एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान देना चाहिए, क्योंकि जो दिखावे के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा दान करता है वह बहुत ही जल्द निर्धन हो जाता है। अतः दान तो करना चाहिए, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार। आठवां है, जो अपने ऊपर दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को याद रखता है, उन्हें दोबारा भी बुरे समय में दूसरे के द्वारा सहायता मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को भूल जाता है वह जीवन में हमेशा ही परेशान रहता है, क्योंकि दोबारा वह किसी के द्वारा सहायता नहीं प्राप्त कर पाता। जो लोग सहायता करने वाले को हमेशा याद रखते हैं एवं उनका सम्मान करते हैं, ऐसे लोग भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं एवं प्रशंसित किए जाते हैं। अर्थात बुद्धि, कुलीनता, मन का संयम, ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, सामर्थ्य अनुसार दान देना और दूसरों के उपकार को याद रखना,
जिस व्यक्ति में यह 8 गुण होते हैं वह प्रशंसा एवं प्रसिद्धि पाते हैं। दोस्तों, इस तरह से उस दूसरे तोते शंखा ने पहले तोते रुरु को बताया। मित्रों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसी नीति कथा एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेट कर दें। वीडियो को एक लाइक करते हुए कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं प्रेम से एक बार कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।